बड़कागांव थाना परिसर में थाना प्रभारी गौतम कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में बड़कागांव मुख्य चौक में बार बार हो रही सड़क जाम को लेकर विशेष चर्चा की गई। बैठक में पूर्व विधायक लोकनाथ महतो सहित दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सड़क जाम एवं प्रदूषण समस्या से निजात पाने को लेकर विशेष चर्चा किया गया। नो एंट्री का पूर्ण रूप लागू करना, पार्किंग व्यवस्था करना, नाली निर्माण, अतिक्रमण की समस्या आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। मौके पर थाना प्रभारी गौतम कुमार ने कहा कि अपने संसाधन के अनुसार सड़क जाम से लोगों को निजात दिलाने का प्रयास किया जाएगा। पूर्व विधायक लोकनाथ महतो ने कहा कि समस्या का समाधान के लिए हम सभी को प्रशासन का सहयोग करना होगा और बिना वजह दो पहिया वाहन आदि गाड़ियों को जहां तहां खड़ा नहीं करना होगा। वहीं राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि टंडवा, बादम एवं हजारीबाग आने जाने वाले तमाम बड़े वाहनों के लिए मुख्य सड़क पर खड़ा नहीं करके बस पड़ाव की व्यवस्था कर नई बस पड़ाव पर खड़ा करना होगा। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष टुकेश्वर प्रसाद, इंस्पेक्टर श्याम चंद्र सिंह के अलावे और कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बड़कागांव से संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। आज की बैठक में क्या मुख्य निष्कर्ष है? आज की बैठक में हमारे थाना प्रभारी से यही सुनने को मिला है कि जो कंपनी का गाड़ी है त्रिवेणी सैनिक का, उसमें 6 गाड़ी जो है उस टाइमिंग के हिसाब से आएगा और कंपनी के द्वारा 2 सिक्योरिटी गार्ड बड़कागांव मैन चौक में देने का काम करेंगे कंपनी। बड़कागांव थाना परिसर में बड़कागांव के मुख्य चौक की जाम की समस्या को लेकर के प्रशासन के द्वारा जो बैठक किया गया था, उसमें क्या निर्णय लिया गया? देखिए, जो जनता ने समस्या उठाई है, ये समस्या जेन्युइन है, कोई गलत नहीं है और इसका काम मुख्य कारण NTPC है, क्योंकि NTPC के माध्यम से अगर बाईपास रोड हो जाता, इधर से उसकी गाड़ियां नहीं आती, तो बाईपास रोड हो जाने पर समस्या ही समाधान हो जाता। लेकिन NTPC उधर से जिधर से रास्ता बनाने की बात है, कहता है कि हमारा ज़मीन है। NTPC खाली लेना जानता है, देना कुछ नहीं जानता है। और ये समस्या जो है, इसीलिए कारण पब्लिक परेशान है। प्रशासन के द्वारा नो एंट्री लगाया गया था जिसका अनुपालन नहीं हो पा रहा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? साहब के समय में नो एंट्री लगा था और वो लंबे पीरियड तक उसका पालन भी हुआ, अभी उसका पालन नहीं हो रहा है, लेकिन उसका पालन होना चाहिए। कुछ तो समस्या का समाधान होगा, अगर पूर्ण समस्या का समाधान नहीं होगा तो कुछ तो समस्या का समाधान होगा ना। सर, बड़कागांव चौक में लगातार जाम की समस्या बनती आ रही है और इसका मुख्य कारण ग्रामीणों के द्वारा NTPC को ही दोषी ठहराया जा रहा है और लगातार 7 गाड़ियां जो है सो आने की जो है सो बात बताई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? सर, इसमें अकेले NTPC नहीं है। सर, बड़कागांव की जो चौक है, जो पब्लिक है, इसमें सभी का दोषी है। जहाँ जिसका जो अपना दुकान है, अपना मकान है, अपना रहती में है, उससे बाहर आकर के अगर रोड पर आ रहे हैं तो जो हमारे जो पब्लिक जो आ रहे हैं दुकान में, वो कहाँ खड़ा होंगे? पहले सबसे पहले जो अपनी जो चीज़ है वहाँ अपने दरिये में रहें। ये अकेली तो नहीं है कि NTPC का ही जा रहा है, इसमें सबका सहमत होना चाहिए। जो सबका सहमत होगा वो कंपनी का भी होगा। सर, NTPC से जो है सो बाईपास रोड के लिए कोई वैकल्पिक विधि व्यवस्था लगाई? सर, वो जो है तो हमारे जो सीनियर अधिकारी, उनके जो आप यहाँ जो मैसेज हम मीटिंग में जो सुने हैं, अपने सीनियर से हम बात करेंगे इस चीज़ को, अपने से मीटिंग में उनको हम बताएंगे। सर, मीटिंग में सीनियर अधिकारी क्यों नहीं आते? सर, अभी कोई कारण के बेस्ट के कारण से अभी हम ड्यूटी पर थे तो सर ने हमको बताया, तो हम आकर के मीटिंग को अटेंड किए और जो बात को हमने यहाँ पब्लिक के सामने में जो सुने हैं